सो गाइस फाइनली अभी यूएमटी का एक नया अपडेट आ चुका है और अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं तो यहां पे मैं अपना यूएमटी का सेटअप खोल लेता हूं और यहां पे आपको खोल लेना है अपना यूएमटी एक्सेस सपोर्ट एक्सेस, जिसके अंदर आपको कोई भी अपडेट आता है तो नया आपको दिख जाता है न्यू करके। तो अभी ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या नया है। यहां पे हमने अपना यूएमटी लगा रखा और यहां पे इंस्टॉलर पे आप देखेंगे तो यहां पे न्यू लिख के आ रहा है। ये 2-4 दिन 5 दिन तक रहता है न्यू, जब तक जब भी नया अपडेट आता है तो 5-6 दिन तक इसको न्यू करके रखते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं। अभी कुछ दिन से बहुत दिन के बाद ये नया अपडेट आया है, इसके पहले ये अपडेट था नहीं और इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है तो इसको यहाँ पे मैं डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं लोकेशन पे और ये रहा हमारा डाउनलोड किया वाला पहले का, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब हमको इसको कर लेना है इंस्टॉल और देखते हैं इसमें क्या क्या नया है क्या पुराना है। बहुत कम ही होता है जब यूएमटी कोई अच्छा खासा अपडेट लेके आता है जिसमें हमें कुछ फायदा मिलता हो। यहाँ पे एक चीज मैंने किया नहीं जो कि मैं पहले सबसे जरूरी है करना, जब भी आप कभी भी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं क्यूसी फायर वगैरह चाहे जो भी कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने आपका जो एंटीवायरस है उसको डिसेबल करके रखना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब आप एंटीवायरस रहोगे तो ये काम करेगा नहीं इसके अंदर, इसलिए कभी भी इसको डिसेबल करके रखना है आपको। अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये 100% अच्छे से इंस्टॉल होगा। यहाँ पे इसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो ऐड किया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक मिनट में इसको हटा लूँ पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एडेड में आपको देखिए आसूस के मैक्स प्रो जेन फोन 4 और वाई, जो कि हमारे तरफ बहुत कम ही आता है। लेनोवो वगैरह का फोन आजकल कहाँ चल ही रहा है, एलजी में ये सब ऐड किया गया है। लाइफ का ये है, ये थोड़ा सा हमारे काम का चीज को ऐड किया गया है। और नोकिया में भी अपने पास बहुत सारे मॉडल हैं जो कि आते रहते हैं, इनको भी ऐड किया गया है, भी अच्छी बात है। एक वन प्लस का 9 Pro 5G जो फोन है उसको ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सियोमी में जो ब्लैक शार्क, ब्लैक शार्क 3, ब्लैक शार्क 2 और रेडमी नोट 10 प्रो जो ऐड किया गया है वो काफी अच्छी बात है। नोट 10 एस का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से अनलॉकिंग करना है, नोट 10 एस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो उसको मैंने हाथ से अनलॉक करके दिखाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप जाके देख लेना। नोट 10 एस का अनलॉकिंग हो नहीं रहा था यूएमटी से, अभी ये यहाँ पे 10 प्रो का दिया है तो हो सकता है इस पे वो भी मेथड काम करे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑथ रिक्वायर्ड दिख रहा है, यानी कि इसका जो ऑथ फाइल है उसको यहाँ पे देना पड़ेगा तभी जाके अनलॉक होगा, कहने का मतलब ये है, यानी कि बिना ऑथ फाइल के आप इसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। इम्पोर्टेंट फंक्शन इडियल फंक्शन जो दिया है उसको अपग्रेड किया गया है, रिमूव डेमो ऑल्सो यहाँ पे लिख रहा है कि अडेप्ट फॉर्मेट FS टू रिमूव डेमो ऑल्सो किया गया है, फिक्स आउट इशू इन द सेम फोन। मतलब कई सारे ऐसे वीवो के जो फोन है जिसके अंदर ये जो मेथड था EDL फास्ट बूट EDL जो वर्क नहीं कर पा रहा था उसको फिक्स किया गया है, उसको सही किया गया है, तो ये चीज यहाँ पे आपको बता रहा है। ये सेम चीज यहाँ भी दिखा रहा है, सक्सेसफुली अभी फ्लैश हो जाएगा, फिक्स स्टॉक फास्ट बूट टू इशू इवन आफ्टर सक्सेसफुली फ्लैशिंग, यानी कि जितने भी वीवो के फोन थे जो फास्ट बूट टू EDL मोड का यूज करके आप फ्लैशिंग वगैरह करते थे तो उसमें कुछ एरर वगैरह दिक्कत आता था, उसको सक्सेसफुली फ्लैश करने के लिए जितने भी एरर थे उसको स्टॉक फिक्स किया गया है, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। अब कितना कारीगर है ये तो अब हमारे जब आप ऑन करोगे जब चलाओगे तब पता चल पाएगा कि ये कितना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं, अब देखते हैं कि इसका इंटरफेस वगैरह चेंज हुआ है कि पहले जैसा ही है, क्या है क्या नहीं वो भी अभी पता चलेगा इसको इंस्टॉल होने के बाद। एक चीज मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ जब भी अनलॉकिंग करता हूँ, अभी जितने भी नए अपडेट आते जा रहे हैं इसमें एक चीज दिक्कत हो रही है कि जो पुराने वाले फोन है उसका ये अनलॉकिंग करने में दिक्कत कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अगर कोई भी ऐसा पुराना फोन है जो पहले आपने अनलॉक किया अभी कर रहे हो तो कुछ एरर आ रहा है, ऐसा कंडीशन में आप फंस रहे हो या फिर आप पहली बार भी कर रहे हो और एरर आ रहा है तो आप एक बार पुराने वाले वर्जन को यूज करो। और मैं अगर रिकमेंड करूँ तो 6.8 का जो वर्जन है क्यूसी फायर सबसे बेस्ट है पुराने फोनों के लिए। और यूएमटी का तो खैर एमटीके का जो है वो तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं करता है, उसमें बहुत कम ही एरर आता है, किसी किसी फोन में एरर आ जाता है एमटीके में, लेकिन क्यूसी फायर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे हमारा जो सेटअप है वो हो चुका है इंस्टॉल और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं क्लोज और इसको हम फिनिश कर देते हैं। जब भी यूएमटी का कोई अपडेट आता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है वीडियो बनाने की, क्योंकि यूएमटी के अपडेट से बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। कई बार अच्छे अच्छे अपडेट आते हैं जैसे अभी देखेंगे तो आप, तो यहाँ पे अपडेट तो हमें अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो एरर फिक्स किया गया है जो हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, अगर वो वाकई में ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप UMT अपडेट दे दिए और उसके बाद से पता चल रहा है फंक्शन ही नहीं काम कर रहा है। आपने कहा कि हाँ ये काम करेगा लेकिन काम कर नहीं रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा मजा नहीं आता है। यहाँ पे जो जो चीज़ें नई ऐड की गई है, फिर से यहाँ पे द अल्टीमेट क्यूर फॉलकम CPU सब दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा चीज़ आपको दिखने को मिल रहा है। तो अभी अपने को क्या करना है, इसको यहाँ पे हम चले जाते हैं रीडेंट टूल पे। ये देखिए पहले जैसा ही फंक्शन है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है, सेम टू सेम सब कुछ रखा गया है। और ये सारे फंक्शन देखा जाए तो सब सेम ही है, यानी कि 8 में जो वर्जन में जो चेंजिंग था वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इंटरफेस जो है 8.0 का ही है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे जब भी मेरे पास कोई अगर फोन आता है वीवो का जिसमें एरर फिक्स बता तो रहा है, लेकिन अब फोन आएगा तो मैं आपको उसको बना करके बता करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको यूज करना है और कैसे वाकई में वर्किंग है कि नहीं, तो अभी हमें भी नहीं पता है। क्योंकि आपको भी पता होगा UMT जब भी अपडेट देता है वो पूरा 100% फिक्स नहीं कर पाता है। तो अब आता है वीवो का फोन तो आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलने वाली है इस हफ्ते में, तो आप उसको जो चैनल हमारा है उसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ये जो भी वीडियो आ रही है वो मिलती रहे। क्योंकि अभी ये जो वीवो के लिए दिया गया है, ये अगर हमारे पास जैसी वीडियो आएगी आपको मैं तुरंत बना के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको यूज करना है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।